हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीकेंड की शुरुआत हो गई है साफ सफाई से। तो सबसे पहले मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूंगी आज। कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे होंगे, मुझे बताना आप लोगों की सफाई अभियान स्टार्ट हो गया या नहीं। तो किचन तो ऑलमोस्ट क्लीन होता ही है, एवरी डे क्लीन करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। पर हाँ, फ्रिज की क्लीनिंग ना बहुत टाइम से हुई नहीं थी, और मैं यही सोच के टाल रही थी कि नवरात्रि आ रहे हैं, फिर तो पूरी अच्छे से ना क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो रहने दो, अभी नहीं करती हूँ। तो आज अच्छे से इसकी क्लीनिंग करेंगे। और मेरे ना बहुत सारे मसाले ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़े मसाले भी बना के रखने। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी डन है, और सैटरडे को तो खिचड़ी बनता है, तो खिचड़ी मैंने ऑलरेडी इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दिया है, बस तड़का लगाना है। मैं इस तरह का ना फ्रिज लाइनर बिछा के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, फ्रिज बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता, बस हल्का सा वाइप कर दो वो क्लीन हो जाता है। और इसको तो आप इजीली धो सकते हो। मैंने डॉलर स्टोर से लिया था, ये हर एक जगह अवेलेबल है, होम डिपो में मिल जाएगा आपको, अमेजोन में मिल जाएगा। ये सेम चीज होता है जो ड्रॉर लाइनर होता है ना, आप वो वाला भी यूज कर सकते हो। उसको एज अ ड्रॉर लाइनर भी यूज कर सकते हो और फ्रिज में भी कर सकते हो। गार्डन से ना पूरा पुदीना हमने तोड़ लिया था और उसको अच्छे से धो भी लिया था। अब बिल्कुल ये सूख चुके हैं, तो अब मैं अवन में इसको ड्राई करके पाउडर बना के रखूंगी। ऑलरेडी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैंने पहले भी बनाया था, बहुत अच्छा लगता है। पराठे में डाल के खाओ या फिर रायते में डालो, बहुत टेस्टी लगता है। या नींबू पानी बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा पुदीना का पाउडर डाल दो, वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। वैसे ये फ्रेश वाली मिर्ची ना अराउंड 5 या 6 डॉलर्स की हमने देखी सुपर स्टोर में, बट यहाँ पे एक नया सेवन फूड खुला है, हम वहां गए थे तो ये सेल पे थी और अराउंड 1 डॉलर पे मिल रही थी। तो हमने खूब सारी मिर्ची तो ले ली, बट मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, टाइम नहीं मिला इसको क्लीन करके अच्छे से रखने का, तो ये भी करना है। मिर्ची को लंबे टाइम तक फ्रेश रखना है ना, तो इस तरह से उसका स्टिक तोड़ के और पेपर टॉवल में लपेट के रख देती हूँ फ्रिज में। बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, आप नॉर्मल कपड़े में भी लपेट के रख सकते हो। बेसिकली उसका मॉइस्चर ना सोक कर लेता है जो पेपर टॉवल होता है। और सेम थिंग धनिया पुदीना, इनको भी मैं पेपर टॉवल में ही रैप करके रखती हूँ, बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। और गोभी को मैंने अच्छे से क्लीन करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना ऐसे ही पेपर बैग में रख लेती हूँ। कभी भी सब्जियाँ बनानी हो ना, तो ऑलरेडी ये छोटे छोटे पीसेस में कट रहते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। मसाले भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। ये गरम मसाला ना आप लोगों को दिखाया भी है काफी बारी, इस तरह का पैकेट आ जाता है गरम मसाला होल, सारे गरम मसाले मिक्स रहते हैं। बस हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके इसका पाउडर बना लूंगी। और धनिया का भी पाउडर मैं साबुत धनिया से घर पे ही बना लेती हूँ। जीरा पाउडर तो अभी है, और जीरा पाउडर ना मैं हमेशा वही भुना हुआ जीरा जो होता है ना वही डालती हूँ सब्जी में भी, उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और कोई भी पराठा बनाओ या फिर रायते में आलू के मसाले में भी जीरा का, वो भुना हुआ जीरा का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैं ना सुपर स्टोर से ये वाली मिर्ची लेके आई थी, येलो कैरबी हॉट पेपर्स। हॉट पेपर्स यहाँ के लोगों के लिए, हमें उतनी मिर्ची नहीं लगती इसका ना। मैंने सोचा था कि मसाला मिर्ची बनाऊंगी जो स्टफिंग करके बनाते हैं ना वैसे, तो स्टफिंग में तो डिफरेंट चीजें डाल सकते हैं, जैसे कैप्सिकम स्टफ करके बनाते हैं ना वैसे भी बना सकते हैं आलू एंड ऑल डाल के, बट मैं सिर्फ बेसन और मसाले के साथ स्टफिंग करूंगी। और इस मिर्ची से ना आप सिंपल रोटी भी खाओ, पराठा खाओ, या फिर खिचड़ी के साथ दाल चावल, और ये मिर्ची इतनी अमेजिंग लगती है ना। और इनकेस कभी कभी होता है ना कि कुछ खाने का मन नहीं करता, मुंह में टेस्ट नहीं आता, उस टाइम पे ये वाली मिर्ची खा लो, सारे टेस्ट खुल जाएंगे। सबसे पहले बेसन को ना ड्राई रोस्ट कर लूंगी,
बस हल्का सा, जब खुशबू आने लगे ना बेसन रोस्ट की, बस उतना ही करना है। मसाले में मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, आमचूर पाउडर, पुदीना का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है। और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिर्ची में थोड़ा सा स्लिट लगा के इसके अंदर जो भी सीड्स थे ना वो मैंने एम्प्टी कर ली है और इस कैविटी को अच्छे से मसाले से फिल करेंगे। अगर आप लोग भी ये मसाला मिर्ची बनाते हो ना तो मुझे जरूर बताना कि आप लोग कौन कौन से मसाले यूज करते हो। आई एम श्योर इसको डिफरेंट वे से बनाया जा सकता है। मिर्ची को मैंने हर एक साइड से टर्न कर दिया था ताकि हर तरफ से ये ब्राउन हो जाए और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक भी दिया था लो फ्लेम पे। घर पे ना सबको आदत है खाने के बाद सौंफ खाने की, तो ये मैं डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ ना, ये खत्म हो गया था तो खाने के बाद एवरी डे पापा और अनुज ये खाली हो गया, सौंफ नहीं है क्या, क्या है, बस भरना पड़ेगा। और इस वाले जार के बारे में भी आप लोग पूछते हो तो ये दोनों जार ना अमेजोन इंडिया का है, तो जब मैं इंडिया गई थी बहुत टाइम पहले का है तो तब मैंने अमेजोन इंडिया से ऑर्डर किया था। आई थिंक अभी भी अवेलेबल होगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटी लगता है तो मोस्टली मैं इसमें सौंफ अचार यही सब रखती हूँ, डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ या फिर ऐसे ही बाहर काउंटर टॉप पे भी रखूँ ना, बहुत सुंदर लगता है। आप घी भी रख सकते हो उसमें। जब भी मुझे लेजी डिनर बनाना होता है ना तो पता है क्या याद आता है, पाव भाजी। और फ्रिज की क्लीनिंग करो तो सारी सब्जियां निकल के आती हैं। अभी भी खेत की जुकीनी है तो वो भी ऐड किया है मैंने, और गाजर ऐड किया है, बीटरूट, गोभी, आलू बॉइल्ड ऑलरेडी है मेरे पास, आज मैंने कैप्सिकम भी इसी में डाल दिया है, अदरवाइज मैं प्याज और कैप्सिकम अलग से फ्राई करती हूँ। और टमाटर भी ऐड कर दिया है, ये भी हमारे गार्डन का ही टमाटर है, वो अभी तक चल रहा है तो बस इसको बॉइल करने के लिए रख देते हैं। किचन एंड ऑल क्लीन करके मैंने सोचा कि चलो जाके बेड भी ठीक कर लेती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो मैं बेडरूम में आई तो मेरे लिए है एक सरप्राइज। बच्चों ने ऑलरेडी बेड अच्छे से क्लीन करके रखा है। ईशा कभी कभी कर देती है, हमेशा नहीं करती बट कभी कभी कर देती है, बट इस तरह का सरप्राइज मिला तो कितना अच्छा लगता है ना। आज ना अनुज भी नहीं है, दो दिन के लिए वो कैलगरी गए हुए हैं, तो अभी का टाइम मेरे पास है तभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और रात की भी सारी तैयारी डिनर की करके आई हूँ, पाव भाजी एंड ऑल चढ़ा के आई हूँ तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। और बच्चे अभी गए हैं बर्थडे पार्टी में, मम्मी पापा रेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी चलो कुछ टीवी में ढूंढती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग देखती हूँ। घर पे जब बच्चे नहीं होते और अनुज भी नहीं होते ना पूरा घर इतना शांत लगता है ना, बस टीवी अगर चल रहा होता है तो उसी का साउंड होता है, अदरवाइज जो कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस वैसा ही होता है। और मैं नीचे गई कि कुछ देखूंगी, थोड़ी देर के लिए कुछ देखा और फिर मुझे नींद आ गई। ऐसा ना मेरे साथ होता ही है, पता नहीं रात को भी जब मैं और अनुज बैठते हैं ना कुछ देखने, अनुज बड़े इंटरेस्ट से, उनको है कि इंटरेस्टिंग है वो पूरा देख लेंगे फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक लेट तक सोते रहते हैं, बट मेरे को है नींद आ जाती है, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा तभी मैं देखती हूँ, अदरवाइज मुझे नींद आ जाती है। और वही हुआ कि बेड पे जाते जैसे बॉडी रेस्ट मोड पे आता है ना उसको नींद आ जाती है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो चलो पाव भाजी फटाफट से बन जाएगा और पाव है, बस पाव सेकना होगा तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। Thought of you, hoping that the ripples would make
हाँ जी, कैसा रहा बर्थडे पार्टी? क्या क्या लेके आया है? हैरी पॉटर स्टफ। हैरी पॉटर स्टफ भी आया। Tattoo? पता नहीं बेटा, देखना पड़ेगा। These are all like the Harry Potter like Quidditch. चलो, घर इतना शांत था, ये शायद इतना शांत था कि मुझे नींद आ गई और आप मेरा बेड बना के गए थे। थैंक यू। हमारा बेड कौन बनाया? हम आपका बेड मैंने बनाया। मेरी बेटी ने मेरा बेड बनाया और आपकी बेटी ने आपका बेड बनाया। वाह 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 वाह। अच्छा लग रहा है। How do you get? एकदम पढ़ाकू स्टूडेंट लग रही है। पढ़ाकू स्टूडेंट। देखो दादू को दिखाओ। देख रहे हाथ में क्या हुआ? अच्छा ये पावर ग्लास इसमें लगा दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल पाव भाजी बनाई थी ना, तो कॉर्नर वाले गैस पे बनाई थी, तो हमारा व्हाइट पम्पकिन गंदा हो गया था और व्हाइट व्हाइट है ना एकदम से, देखो। तो चलो उसको क्लीन कर। और पूरे वीक में मैं एक दिन ही चाय पीती हूँ, इधर सैटरडे या संडे, तो कल नहीं पी पाई थी क्योंकि अनुज को मॉर्निंग में निकलना था, तो जल्द जल्दी उनके लिए पराठा चाय ये सब बना रही थी तो नहीं पिया था। तो आज आराम से बैठ के तसल्ली वाली चाय पीते हैं। और कल रात को ही मैंने छोले भिंगो के रख दिए थे, आज थोड़े डिफरेंट स्टाइल से छोले बनाने हैं। हमारे जो नेबर है ना, जो मुझे फ्लावर्स और वो पर्पल बीन्स दे के गए थे, वो उनकी ना सर्जरी हुई है, तो हमने उनसे बात करी एक दिन, वो बाहर थे, तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे कि खाना कैसे मैनेज कर रहे हो। तो उन्हें बोला कि हस्बैंड के बारे में कि बना लेते हो, उतना अच्छा नहीं बनाते पर बना लेते हैं, काम चल जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इंडियन फूड पसंद है, क्योंकि काफ़ी सारे कनेडियंस को ना इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बटर चिकन, छोले, चिकपी। तो मैंने उनसे यही दो चीज़ पूछी थी, तो उन्हें बोला हाँ मैं खाती हूँ, बट वो मिर्ची नहीं खा पाती, ऑफकोर्स वो तो पता ही होता है। तो बटर चिकन मैं नवरात्रि के बाद कभी उनको खिला दूंगी, और आज मैं चिकपी बना रही हूँ। तो छोले मसाले मैं अलग से हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, या फिर सोच रही हूँ सिर्फ धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के बनाऊँ, क्योंकि जो छोले मसाले प्रॉपर होते हैं ना वो तीखा होता है। और मैं कोकोनट मिल्क भी ऐड करूँगी, उससे भी थोड़ी मिठास आ जाती है, तो उनको अच्छा लगता है। पर पहले आराम से बैठ के थोड़े तसल्ली वाले पल इंजॉय किए जाए अदरक वाली चाय के साथ। और यहाँ पे सारी तैयारियां कर ली हैं, अनियन को चॉप कर लिया है, जिंजर गार्लिक, कोकोनट मिल्क, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विडी कर लिया है, और ये टमाटर का पेस्ट। और मसाले में मैं सिर्फ ऐड करूंगी धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अनारदाना पाउडर। अनियन हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसके बाद टमाटो प्यूरे ऐड कर दिया है, और इसके साथ साथ ही मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़े से छोले मैश करके ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं ग्रेवी को थिकन करने के लिए। इस वाले पैन में ना स्टील का नहीं चलाना होता, इसलिए मैंने अलग से उसको क्रश कर लिया छोले को, अदरवाइज स्टील का रहता है तो मैं इसी में कर लेती हूँ, बट इसमें इसको यूज नहीं कर सकती। काफी सारे छोले हैं, सो ये वाला पैन थोड़ा छोटा पड़ेगा, इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। मसाला ऑलमोस्ट कुक हो गया है, तो बिल्कुल लास्ट में कोकोनट मिल्क ऐड करना है, क्योंकि ये कोकोनट मिल्क ऐड करके ना ज्यादा देर इसको बॉयल नहीं करना होता, और कंटिन्यूसली थोड़ी देर स्टर कर लेंगे जब तक कि अच्छे से ये मिक्स नहीं हो जाता।
खुशबू तो अच्छी आ रही है, उनका पैक कर लिया है और हमारे लिए जो छोले बचे हुए हैं लंच के उसमें मैंने लगा दिया है मिर्ची का तड़का, कि हमें तो थोड़ी सी मिर्ची चाहिए छोले में। इनफैक्ट बच्चों को भी ना छोले राजमा इस तरह की जब चीजें होती है ना तो थोड़े मसालेदार थोड़े से तीखे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलो टाइम से बन गया है तो मैं उनको देख के आती हूँ कि लंच में खाना होगा, लंच में खा लेंगे और अच्छे से दे दिया है कि लेफ्ट ओवर रहेगा तो डिनर में भी हो जाएगा या फिर नेक्स्ट डे खा सकते हैं, होपफुली उनको अच्छा लगे। आज ना काफ़ी अच्छा वेदर है, बहुत बढ़िया वाली धूप है और इस ईयर ना बहुत अच्छी चल रही है अभी तक। विंटर मिडल ऑफ अक्टूबर हो गया है और उतनी ज़्यादा ठंड बिल्कुल नहीं है, फोकस भी है कि इस बारी विंटर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो अच्छी बात है। और मैं अपने नेबर्स को देख के आई छोले, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्हें घर के अंदर भी बुलाया। मैं बहुत बारी गई हूँ बट हमेशा बाहर से ही आ जाती हूँ तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम उनके घर के अंदर गई। बहुत ही कोजी सा प्यारा सा घर है और 40 इयर्स से वो इसी घर में रह रहे हैं, लाइक उनके छोटे बच्चे थे और अब उनके बच्चों को भी बच्चे हो गए तो अभी तो बस वही दोनों रहते हैं हस्बैंड वाइफ। और वो बैठने को बोला उन्होंने और काफ़ी देर बात की, आई थिंक अराउंड 1 आवर में बैठ के आई हूँ। और ये चीज़ मैंने देखी है कि इस एज में ना पेरेंट्स वो अकेले होते हैं ना तो एक लोनलीनेस होता ही है, और जब भी उनको कोई मिलता है ना जो बात कर सकता है, जिनसे बात करके उनको भी अच्छा लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो आई थिंक इस एज में अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है ना तो अपना टाइम दो, ये बेस्ट चीज़ होती है जिसको वो हमेशा चेरिश करते हैं। तो चलो ऐसा ही रहा आज का दिन और अभी हम जाएंगे, हम भी लंच वंच करेंगे और फिर शाम तक अनुज आ जाएंगे। और हाँ, इंडिया में तो हर तरफ रौनक ही रौनक है, फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, दुर्गा पूजा आने वाली है, तो आप सबको नवरात्रि की दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारा इन्जॉय करो। और अगर आप लोग का व्रत है तो अपना ध्यान रखो, अच्छे से खाते पीते रहो और खूब सारा इन्जॉय करो। चलो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।